नमस्ते। हमारे पूर्वजों ने सच ही कहा है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें छोटा सा धक्का लगना जरूरी है। आज मैं आप सभी के लिए ऐसा ही एक इंसिडेंट लेके आई हूँ जिसमें एक छोटी सी इंसल्ट होने के कारण हमें आज उस चीज का इतना बड़ा प्राउड होता है। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ JRD टाटा की ऐसी घटना जिसमें वह एक होटल में गए मुंबई में ही, और वहां उनको जाने नहीं दिया। और जब वो दरबारी से पूछे कि उन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, तब वो दरबारी ने उन्हें कहा, इंडियंस आर नॉट अलाउड। और तब JRD टाटा को इतना इंसल्टिंग फील हुआ कि तभी उन्होंने ठाना कि वह एक ऐसा होटल बनाएंगे जहां पे सबके आने की एक इच्छा हो और एक सपना हो। ऐसे ही JRD टाटा ने उनका सपना 1903 16 दिसंबर को कंप्लीट किया और हमारा इंडिया का प्राउड होटल ताज बनाया, और जिसमें ये पार्टी उन्होंने लगाई, फॉरेनर्स एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। और अभी हम ये प्राउड से कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ताज पैलेस और ताज होटल की 100 से ज्यादा जगह है और 100 से ज्यादा होटल्स है। और आज मैं आप सभी को एक टूर देने वाली हूँ होटल ताज पैलेस हेरिटेज का, जो मुंबई में है और सबसे पहला है। आइए देखते अभी हैं। हम जा खड़े हैं वह होटल ताज की एंट्री है। यह है ताज टॉवर का रिसेप्शन, जहां आपका स्वागत होता है। यह है 26/11 अटैक में मारे गए गेस्ट और स्टाफ की लिस्ट। आप देख सकते हैं उसका भी उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया है, और ये जो है ये ताज टॉवर है। अभी हम ये जो देख रहे हैं ये है रिसेप्शन एरिया और वेटिंग एरिया, और ये है जीवा स्पा। अभी हम टॉवर के कॉरिडोर से पैलेस में एंट्री ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी जो ये आप राइट में देख रहे हैं, यह सब वह गेस्ट के फोटो है जो ताज को विजिट करके गए हैं, जैसे जैकलिन कैनेडी, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, द किंग एंड क्वीन ऑफ नॉर्वे, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, द प्रिंस ऑफ वेल्स, रोगर मूरे, जॉन कॉलिस, फेमस एक्टर एंजेलिना जॉली, हिलेरी क्लिंटन, बराक ओबामा, सितारा आर्टिस्ट रविशंकर, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप की विनिंग ट्रॉफी के साथ, ऑफ्रा विनफ्रे अमेरिकन होस्ट एंड मोस्ट रिच लेडी, और हमारे सदी के महानायक जिनके आवाज में ही जादू है, ऐसे हमारे सबके चहीते श्री अमिताभ जी बच्चन। और आखिर में अभी रिसेंट में ही जाके आई हुई मिष्टी कुचेरिया। और अभी हम आ चुके हैं होटल ताज पैलेस हेरिटेज के मेन चेक इन एरिया में। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट ताज के बारे में जानकारी लेते हुए, और ये है रिसेप्शन एरिया, ये है लिफ्ट जहाँ से हम ऊपर जाते हैं, और आप देख सकते हैं सब लोग कैसे सुन रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल एरिया के पास में, जहाँ पे बारबेक्यू रेस्टोरेंट भी है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बन गई है, और साथ ही में फूलों से सजा हुआ दीप का स्तंभ भी है। अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल एरिया के पास में। ऐसे होटल को बाहर देखकर लगता नहीं है कि होटल के अंदर इतनी सारी हरियाली है। ये देखिए, ये है होटल पैलेस का बिल्डिंग।
और ये है स्विमिंग पूल, जो अभी कोविड के चलते बंद रखा गया है। और ये है सिटिंग एरिया फॉर स्विमिंग पूल। अब हम आ चुके हैं होटल के ग्रैंड स्टेयरकेस पर। देखकर लगता नहीं है कि यह सब आर्किटेक्चर 120 इयर्स पुराना है। ऐसे लगता है कि अभी मैं कोई राजस्थान के बड़े से पैलेस में घूम रही हूँ। कितना प्यारा आर्किटेक्चर है और हर छोटी चीज में कितना सारा यूटिलाइजेशन है। और ये है जमशेद जी टाटा का पुतला, जो यहाँ के फाउंडर तो है लेकिन देश के ज़रूरत के समय वर्ल्ड वॉर टू में 600 बेड्स का हॉस्पिटल भी बनाया था। अब हम चलते हैं हमारे ग्रैंड रूम में। आप देख सकते हैं ये है हमारे फ्लोर की लॉबी। कितना सुंदर सिटिंग एरिया है। और ये है कॉफी टेबल्स जो बीचों बीच लगाए गए हैं। यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए कितने सुंदर स्टैचूज, पॉट्स, वेसेस और पेंटिंग्स लगाई गई है। और ये है हमारे रूम के सामने की सुंदर सी सिटिंग एरिया। आपको हमारे रूम का टूर और बाकी सब अभी नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसे लगा आपको वीडियो? अरे रुको रुको, अभी तो बहुत सारी एक्साइटिंग बातें आपको बतानी है, जैसे सी व्यू रूम जहां से हमें गेटवे ऑफ इंडिया भी दिखता है, होटल ताज में कितने सारे रेस्टोरेंट है, रतन टाटा और जेआरडी टाटा के बारे में। आइए देखते हैं ये सब अगली वीडियो में। धन्यवाद।